कुछ बच्चे 10वीं क्लास से सीधे 12वीं में आते हैं, 11वीं में उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि फिजिक्स की एनसीईआरटी क्या है, ठीक है, तो वो अभी भी एनसीईआरटी के पीछे है, हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन उसका फिजिक्स की एनसीईआरटी, देखो ओनली फॉर फिजिक्स एनसीईआरटी, मैथ्स की एनसीईआरटी फिजिक्स की एनसीईआरटी से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। और एनसीई होता है इसमें, कुछ बच्चे एनसीईआरटी बोलते हैं, ई को कोई इज्जत ही नहीं है, हाँ या ना। नो रीडिंग इज रिक्वायर्ड वाइल द चैप्टर इज बीइंग टॉट इन द क्लास, कुछ बच्चों को लगता है कि भाई साहब क्लास पढ़ ली है अब एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी है, बहुत डेप्थ है उसके उसमें, ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको अगर बेसिक्स पता है, चीजें पता है, तो अगर आप रीड करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपका टाइम बहुत यूटिलाइज हो जाएगा और उसमें से आप ज्यादा चीजें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जो आपके काम को, तो रीडिंग अभी आपको नहीं करनी है, ठीक है। एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, अगर आपके अंदर है कि रीडिंग करनी है, नहीं भी करोगे तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, लेकिन यस अगर आपको करनी है, अच्छी बात है, तो एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, आपको सारे पैरामीटर्स पता हो, ठीक है, हम डिटेल में बात कर रहे हैं, सारे पैरामीटर्स पता हो, जब आप रीड करेंगे तब आपको उसका इंपैक्ट पता लगेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर यू कैन रीड इफ टाइम परमिट्स। अब इसको आप ये नहीं बना लेना कि नहीं भाई मेरे को रीड करनी ही करनी है, बिना रीड करे भी काम चल सकता है, रीड करोगे तो प्लस पॉइंट है। बैक एक्सरसाइज मस्ट बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन इन फेब, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आखिरी में आपको बता दूंगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर प्लीज सी द डायग्राम्स एंड ग्राफ फॉर श्योर, एनसीईआरटी में कई बार ग्राफ्स और डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन जेई और सीबीएसई पूछता है, तो ग्राफ्स आपको सारे देखने हैं, सॉल्व एग्जांपल आपको कर लेने हैं, और डायग्राम्स अगर किसी का सर्किट डायग्राम है या फिर कोई डिवाइस का डायग्राम है, उसी टाइप का डायग्राम आपको अपने स्कूल में बनाना है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, जैसे जनरेटर का एग्जांपल मैं देता हूं, एसी जनरेटर का जो डायग्राम है सीबीएसई वाला, ठीक है, एनसीईआरटी वाला, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में आपको गलती कोई टीचर काट नहीं सकता, क्योंकि आपका पेपर कौन चेक कर रहा है आपको नहीं पता। अब मैं उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा कि एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है। अब कई टीचरों को लगता है अच्छा इसको तो अच्छे से नहीं बनाया तो आधा मार्क काट लिए, तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम अगर बनाएंगे तो आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अब सर ये एग्जाम्पलर कई बच्चों को नहीं पता होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स की बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके स्टार्टिंग में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। नोट इफ यू डोंट हैव एनसीईआरटी, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो दूसरे बोर्ड्स के हैं, हमने एनसीईआरटी हमारे स्कूल में अलग बुक लगाई गई है, तो अब हम इसको दोबारा खरीदे, नहीं खरीदना। वैसे तो कॉस्ट गवर्नमेंट बहुत सस्ता रखती है इसको, ठीक है, बहुत सस्ते में मिल जाती है, 30-40 रुपए में आपको एनसीईआरटी मिल जाती है, सेकंड हैंड लेना चाहे आप सेकंड हैंड ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लिंक दे दिया है यहां पर, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके अपने बुक को डाउनलोड कर सकते हैं।